रोडवेज कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी 28 दिसंबर को हरियाणा में चक्का जाम करने का फैसला लिया है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर रही, जिससे रोडवेज कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। चरखी दादरी बस स्टैंड पर बैठक करके रोज प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार निजी बसों को बढ़ावा दे रही है। यूनियन के राज्य प्रधान बाबूलाल यादव सहित अन्य यूनियनों के नेताओं ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई बार विभाग के आला अधिकारियों के अलावा सरकार में भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनके साथ हर बार वादा खिलाफी हुई है। इस बार सरकार व विभाग से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज बसों से जनता को बेहतर सुविधा मिल रही है। प्रदेश के एक डिपो में 50 निजी बसें नियमों के विरुद्ध हैं। सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 28 दिसंबर को चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। रोडवेज नेताओं की इस बार सरकार से सीधे रूप से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना दिया है। कर्मचारी नेता ने कहा कि दादरी रोडवेज से हटाए 52 कच्चे कर्मचारियों को हटाकर सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीनने का कार्य किया है। हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को भी बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा। मीटिंग के बाद रोडवेज कर्मियों ने वर्कशॉप परिसर में रोष मीटिंग की। मीटिंग के बाद कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए बस स्टैंड के गेट तक पहुंचे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, आजाद टीवी न्यूज। विरोध गेट मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं और इस मंच के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि इन तमाम मांगों को जो आपने वायदे किए थे, इनको पूर्ण रूप से कर्मचारी नेताओं को ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बुला करके 28 दिसंबर से पहले बातचीत के माध्यम से इनको हल नहीं किया गया और रोडवेज को निजीकरण की तरफ धकेलने का काम किया, तो हम हरियाणा सरकार के खिलाफ 28 दिसंबर को पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। इसका पूर्ण रूप से आपको यादादरी डिपो में देखने को मिल रहा है, कर्मचारियों में कितनी ऊर्जा है। पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कर्मचारी एकदम तैयार है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और अगर हठधर्मी के तहत सरकार नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन को और भी उग्र कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। 28 तारीख से आगे इसको बेमियादी हड़ताल में बदल सकते हैं।